चंद्रा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस में मैं आशीष सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्त, पिछले वीडियो में टीजीटी आर्ट के अंतर्गत हमने आपसे बातचीत किया था कि जहांगीर काल की चित्रकला के विषय में और उससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमने आपसे विस्तार से चर्चा किया था। आज की इस वीडियो में जहांगीर के काल की कुछ विद्वानों की चर्चा की जाएगी जिनसे संबंधित आपके एग्जाम में प्रश्न बनते आए हैं और जिसके बनने की आगे भी उम्मीदें हैं। तो हम चलते हैं आज के इस टीजीटी आर्ट के लेक्चर नंबर, यहाँ पे ध्यान देंगे टीजीटी आर्ट के लेक्चर नंबर 21 के अंतर्गत आज हम बात करेंगे जहांगीर कालीन चित्रकार की या जहांगीर कालीन विद्वानों की। तो यहाँ पे हम ध्यान देंगे सबसे पहले क्रम में कि आका रजा ये किस काल के चित्रकार थे। पहला प्रश्न ही बनता है कि आका रजा किस काल के चित्रकार थे। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि आका रजा जहांगीर कालीन चित्रकार थे। दूसरा, यहीं से संबंधित एक और प्रश्न बनता है कि आका रजा का संबंध किस देश से था। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि आका रजा जो कि एक ईरानी चित्रकार थे, मुगल काल में या मुगल दरबार में जहांगीर के समय में ये चित्र निर्माण का कार्य करते थे। आगे हम बात करें तो एक और महत्वपूर्ण यहाँ से प्रश्न बनता है कि जहांगीर का प्रिय चित्रकार कौन था। तो यहां पर आप ध्यान देंगे कि जहांगीर का प्रिय चित्रकार कौन था, आका रजा। तो साहब आपसे प्रश्न पूछता है कि जहांगीर का सबसे प्रिय चित्रकार कौन था। तो यहां पर आप ध्यान देंगे कि आका रजा था। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण बिंदु पर ध्यान देंगे आका रजा के अंतर्गत कि आका रजा को नकलची चित्रकार कहा जाता था। अर्थात नकलची चित्रकार से यहाँ पे क्या तात्पर्य है कि ये चित्रों की हूबहू कापियाँ, अर्थात ये किसी भी चित्र का नकल ठीक उसी तरह बना देता था जैसा उसकी मूल प्रति होती थी। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि आका रजा नको नकलची चित्रकार के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न बनता है कि जहांगीर के काल में किस चित्रकार को नकलची चित्रकार के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि आका रजा को नकलची चित्रकार के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही यहीं से एक और प्रश्न बनता है इसी लाइन से कि जहांगीर के काल में प्रतिलिपियां बनाने के लिए कौन प्रसिद्ध था। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि नकलची से तात्पर्य है कि हूबहू वैसा ही बनाना, अर्थात किसी की मूल प्रति हो तो उसकी प्रतिलिपि बना देना। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि आका रजा प्रतिलिपियां बनाने के लिए भी प्रसिद्ध था। तो यहाँ पर ध्यान दिया आपने आका रजा को कि ये आका रजा सर्वप्रथम पूछता है कि किस मुगल बादशाह के दरबार में ये चित्रकारियाँ करता था। तो यह जहांगीर के काल का चित्रकार था, इसका संबंध मुगल काल से था और यह कहाँ का रहने वाला था या मूल निवासी कहाँ का था, तो यह ईरानी था। और आका रजा को नकलची चित्रकार अर्थात चित्रों की नकल बनाने वाला भी कहा जाता है या के नाम से भी जाना जाता है। और नकल अर्थात हूबहू जैसा बना था उसी तरह की चित्रकारियां फिर से बना देने की ही कला को हम प्रतिलिपियों के नाम से जानते हैं। और मुगल काल में प्रतिलिपियों के निर्माण के लिए आका रजा प्रसिद्ध था। तो यहाँ पे आपने आका रजा को देखा
और हम विश्वास करते हैं कि इससे बनने वाले प्रश्नों पर आप अब इसको आसानी से कर पाएंगे। हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि जहांगीर कालीन एक और विद्वान की चर्चा होगी, अबुल हसन की। ध्यान देंगे अबुल हसन की, जहांगीर कालीन एक अन्य विद्वान कौन, अबुल हसन। यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि पूछता है कि जहांगीर ने किसे युग शिरोमणि की उपाधि प्रदान किया था। जहांगीर ने किसे युग शिरोमणि की उपाधि प्रदान किया था, तो साहब आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि अबुल हसन को नादिर उज जमा जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, युग शिरोमणि। तो जहांगीर ने अबुल हसन को नादिर उज जमा जिसको हिंदी में युग शिरोमणि कहते हैं की उपाधि प्रदान किया हुआ था। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि जहांगीर के दरबार का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार कौन था। साहब आप एक बात यहाँ पे ध्यान देंगे, कंफ्यूजन हो सकता है आपको कि जहांगीर का प्रिय चित्रकार, ये लाइन बिल्कुल अलग है कि वो जहांगीर का प्रिय था, लेकिन ये जहांगीर के दरबार का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार की जब बात होगी तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि जहांगीर के काल का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार कौन था प्रश्न बनता है। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि जहांगीर के काल का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार अबुल हसन था। कौन था? अबुल हसन था। नेक्स्ट पॉइंट पर आएंगे और यहाँ पर ध्यान देंगे कि जहांगीर के सत्तारूढ़ होने का चित्र किसने बनाया। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि जहांगीर के सत्तारूढ़ होने का चित्र अबुल हसन ने बनाया हुआ था। किसने बनाया था? अबुल हसन ने। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं, यहाँ पे ध्यान देंगे कि जहांगीर नामा, देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है कि जहांगीर नामा एक पुस्तक है। जहांगीर नामा के पुस्तक का कवर पृष्ठ किसने अलंकृत किया या बनाया, क्योंकि ये देखिए फेमस प्रश्न है कि जहांगीर नामा का कवर पेज किसने तैयार किया था। तो यहाँ पर साहब आप ध्यान देंगे कि जहांगीर नामा का कवर पेज किसने किया, अबुल हसन ने तैयार किया हुआ था। इसका मुख्य पृष्ठ किसने बनाया, अबुल हसन ने बनाया था। तो हमने ये जाना कि अबुल हसन जिसको कि नादिर उज जमा अर्थात युग शिरोमणि की उपाधि जहांगीर के द्वारा प्रदान की गई, और इसके साथ ही साथ जहांगीर के दरबार का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार अबुल हसन को माना जाता है, और जहांगीर के सत्तारूढ़ होने का चित्र भी अबुल हसन ने बनाया था, साथ ही साथ जहांगीर नामा का मुख्य पृष्ठ भी तैयार करने का श्रेय अबुल हसन को प्रदान किया जाता है। हम आगे नेक्स्ट क्रम पे यदि बात करें तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे उस्ताद मंसूर को यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि मुगल कला में पशु पक्षी का चित्र बनाने के लिए कौन चित्रकार या कौन प्रसिद्ध था। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि मुगल कला में अर्थात जहांगीर के काल में पशु पक्षी का चित्र बनाने के लिए उस्ताद मंसूर प्रसिद्ध था। नेक्स्ट यदि हम यहाँ पर बात करें कि नादिल उर अशर अर्थात युग आश्चर्य की उपाधि किसे प्रदान किया गया था। तो यहाँ पे दोस्त आप ध्यान देंगे कि जहांगीर के काल में नादिर उल असर अर्थात युग आश्चर्य की उपाधि उस्ताद मंसूर को प्रदान किया गया था।
प्रश्न बनता है कि जहांगीर के काल में, यहाँ पे देखिए एक तो प्रश्न था यहाँ पे कि युग शिरोमणि का, कि किसे युग शिरोमणि के नाम से जाना जाता है। दूसरा प्रश्न है युग आश्चर्य के नाम से। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि नादिल उर असर अर्थात जहांगीर के काल का या मुगल कला का युग आश्चर्य किसे माना जाता है, तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि यह उस्ताद मंसूर को माना जाता है। नेक्स्ट क्रम पे यहाँ आगे आएंगे और ध्यान देंगे कि उस्ताद मंसूर ने चित्रकारी के तहत क्या क्या बनाया था, अर्थात मुख्य रूप से किसकी किसकी चित्रकारियाँ की। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि टर्की मुर्गा, क्या टर्की मुर्गा, बाज पक्षी, साइबेरियन पक्षी या साइबेरिया पक्षी, साथ ही साथ बंगाल का अनोखा पुष्प और नील गाय इत्यादि का चित्र उन्होंने बनाया हुआ था। तो आप देखेंगे कि टर्की मुर्गा, बाज पक्षी, साइबेरिया, बंगाल का अनोखा पुष्प के साथ नील गाय इत्यादि का चित्र कौन बनाया था, उस्ताद मंसूर ने। इसके साथ ही उस्ताद मंसूर के बारे में और देखेंगे कि बाज पक्षी के चित्र में, देखिए यहाँ ध्यान देंगे कि उस्ताद मंसूर ने एक बाज पक्षी का चित्र बनाया हुआ था। उस बाज पक्षी के चित्र बनाने के क्रम में उसकी आँख में आतंक अर्थात प्रलय जैसी कलाकृतियाँ उस्ताद मंसूर ने बनाया हुआ था। ये बहुत फेमस प्रश्न है कि बाज की आँख में आतंक का चित्र किस विद्वान ने बनाया था। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि बाज पक्षी के चित्र में आतंक अर्थात उसकी आँख में आतंक दिखाने किसने दिखाया था, उस्ताद मंसूर ने दिखाया हुआ। यहीं से संबंधित एक और प्रश्न बनता है कि इस बाज पक्षी का वर्तमान समय में चित्र कहाँ है। तो ये ध्यान देंगे कि कलकत्ता संग्रहालय में इस बार आतंक की आँख वाले बाज के पक्षी का चित्र सुरक्षित है। कहाँ पे सुरक्षित है, कहाँ पे, कलकत्ता संग्रहालय में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर नेक्स्ट क्रम में ध्यान देंगे कि नेक्स्ट विद्वान की जो चर्चा होगी उनका नाम है मनोहर। क्या नाम है, मनोहर। यहाँ पे ध्यान देंगे कि पूछता है कि मनोहर किस मुगल शासक के दरबार के चित्रकार थे। तो साहब आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि मनोहर जहांगीर कालीन चित्रकार थे। किस किसके काल के, जहांगीर के काल के। आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर ध्यान देंगे कि जहांगीर के साथ चित्रकला की शिक्षा प्राप्त करने वाला चित्रकार कौन था। प्रश्न बनता है कि उस प्रसिद्ध चित्रकार का नाम क्या है जिसने जहांगीर के साथ चित्रकला की या चित्रकारी की शिक्षा प्राप्त किया था। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि यह नाम मनोहर है। दूसरा यहाँ से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि मनोहर के पिता का नाम क्या था। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि मनोहर के पिता का नाम क्या है, इसके पहले आप पढ़ चुके हैं, आप ध्यान दे करके आपको जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा तो कमेंट करके वहाँ पे बताना होगा कि बसावन किस मुगल बादशाह का चित्रकार था। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि मनोहर के पिता का क्या नाम है, मनोहर के पिता का नाम बसावन था। आगे आएंगे और यहाँ पर नेक्स्ट चित्रकार की बात करेंगे कि जहांगीर कालीन एक अन्य चित्रकार जिसका नाम है बीसन दास। तो प्रश्न पहला यही बनेगा कि बीसन दास किस कला किस काल के चित्रकार थे। तो सबसे पहले आप ध्यान देंगे कि मुगल कला के, और पूछता है कि किस मुगल बादशाह के समय के चित्रकार थे। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि बीसन दास जहांगीर के काल के प्रसिद्ध चित्रकार थे।
नेक्स्ट आएंगे और पहली लाइन ही लिखी है कि मुगल शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था। अब देखिए यहाँ पे तीन बातें हो गई, या एक जगह आपने ये देखा था कि सर्वश्रेष्ठ चित्रकार कौन है, और दूसरा आपने ये देखा था कि प्रिय चित्रकार कौन है, और तीसरी बात यहाँ पर आ गई कि प्रसिद्ध चित्रकार कौन है। तो यहाँ पे प्रसिद्ध चित्रकार के तहत आप ध्यान देंगे बिशन दास को। नेक्स्ट आप आगे ध्यान देंगे कि व्यक्ति चित्र बनाने में कौन व्यक्ति निपुण था, या कौन सा चित्रकार व्यक्ति चित्र बनाने में निपुण था। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि बिशन दास व्यक्ति चित्र बनाने में निपुण था। नेक्स्ट क्रम पे ध्यान देंगे कि बिशन दास को बनवारी दास के भी नाम से जानते थे। तो पूछता है कि किस चित्रकार का उपनाम बनवारी दास था, तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि बिशन दास का ही उपनाम, या इन्हें बनवारी दास के भी नाम से जानते थे। नेक्स्ट देखेंगे कि नूरजहां का सहीब तथा शेख फूल सूफी संत का चित्र किस चित्रकार ने बनाया था, और ये दोनों काफ़ी फेमस चित्र हैं और ये मुगल शैली के प्रसिद्ध चित्र थे। इसे बनाया किसने? बिशन दास ने। नेक्स्ट इसी से संबंधित एक और प्रश्न बनता है कि शेख फूल सूफी संत का चित्र किसने बनाया था। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि ये तो बनाने किसने बनाया था? बिशन दास ने। प्रश्न पूछता है कि शेख फूल सूफी संत का चित्र वर्तमान समय में कहाँ पर सुरक्षित है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि भारत कला भवन कहाँ पे है? भारत कला भवन वाराणसी में है, में सुरक्षित है। नेक्स्ट आते हैं, ध्यान देंगे एक अन्य यहाँ पे चित्रकार है मोहम्मद नादिर, और ये ध्यान देंगे कि इनका मुख्य फोकस पेड़ पौधों तथा पुष्प चित्र बनाने के लिए प्रसिद्ध थे। तो प्रश्न पूछता है कि जहांगीर के काल में पेड़ पौधे तथा पुष्प का चित्र बनाने के लिए कौन से चित्रकार प्रसिद्ध थे, तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि मोहम्मद नासिर। साथ ही साथ नरगिस का पुष्प किसने बनाया, तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि प्रसिद्ध नरगिस का पुष्प मोहम्मद नादिर साहब ने बनाया हुआ था, और यह नरगिस का पुष्प वर्तमान समय में प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में सुरक्षित है। तो यहाँ से हमने जहांगीर कालीन चित्रकारों पे चर्चा किया। नेक्स्ट वीडियो में सिलेबस के अगले भाग की बात की जाएगी। थैंक यू।